न्यूज स्पॉन्सर बाय रियलमी स्मार्ट स्टोर भंडारा शहर में आप सबके लिए लेकर आया है रियलमी के एक्साइटिंग प्रोडक्ट, वो भी किफायती दामों में। रियलमी टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, टैबलेट और सभी एसेसरीज के प्रोडक्ट सिर्फ आपके नजदीकी रियलमी स्मार्ट स्टोर में। तुरस्कर कॉम्प्लेक्स, राजीव गांधी चौक, भंडारा। भंडारा शहर के तकिया वार्ड में योगी गजानंद प्लाईवुड दुकान में 14 फरवरी की रात करीब 9:30 बजे के करीब अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशामक दल ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर नियंत्रण पाया। आग में दुकान का लाखों का माल जलकर खाक होने का प्राथमिक अंदाज बताया जा रहा है। समय रहते आग पर काबू पाने से बड़ा अनर्थ होने से बचा। आग शॉर्ट सर्किट से लगने का अंदाज व्यक्त किया जा रहा है। तकिया वार्ड में मुख्य मार्ग में योगी गजानन प्लाईवुड दुकान होकर 14 फरवरी को दुकान बंद करके दुकान मालिक चेतन लुलेकर घर गए। रात में 9:30 बजे के दौरान दुकान से आग के लपटे निकलती दिखी। कुछ ही समय में आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इसकी सूचना भंडारा पुलिस व अग्निशामक समूह को दी गई। सूचना मिलते ही भंडारा पुलिस व नगर परिषद के 2 अग्निशामक वाहन घटनास्थल पर दाखिल हुए। 2 घंटे के अथक प्रयास के बाद आग पर नियंत्रण पाने में सफलता मिली। तब तक दुकान का लगभग 19 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। समय पर आग पर नियंत्रण होने से बड़ा अनर्थ होने से टला। प्लाईवुड की दुकान के बाजू में इलेक्ट्रिक व अन्य दुकानें आग से बच गई। वैसे ही दुकान से लगकर गोदाम सुरक्षित है, अन्यथा बड़ा नुकसान होकर अफरा तफरी मच गई होती। अग्निशामक समूह को दुकान का शटर तोड़ने में समस्या होने से दुकान के पीछे का दरवाजा तोड़कर आग बुझाने का प्रयास किया गया। आग बुझाने तक भंडारा पुलिस घटनास्थल पर ही रुके हुए थे। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।